और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें, जहां खेरसौन में कई और खबर मिलने से हड़कंप मच गया है। अब मरने वालों की पहचान करने में सैनिक जुटे हुए हैं। इससे पहले भी खेरसौन इलाके में कई टॉर्चर रूम मिले थे, जिसको लेकर दावा तो ये किया गया कि इन टॉर्चर रूम में यूक्रेन के नागरिकों को रखा जाता था और उनको रूस का साथ देने के लिए प्रताड़ित किया गया था। लेकिन अब खेरसौन में कई कब्रें और मिली हैं। हफ्ते भर में कैलेंडर में साल और तारीख बदल जाएगी। कभी ना कभी कब्रिस्तानों में दफन होने वाली लाशों पर लगाम लग जाएगी। कभी ना कभी कब्रिस्तान में तब्दील होता यूक्रेन इस दौर से गुजर जाएगा। कभी ना कभी ताबूतों, कीलों और सीने में चुभती तीर वाली जलन शांत होगी। कभी ना कभी यूक्रेन फिर गुलजार होगा, लेकिन तब तक यूक्रेन के भीतर कई दुनिया तबाह और बर्बाद हो चुकी होगी। लाशों का अंबार तब तक इंसानियत को और डराएगा। यूक्रेन में अभी और तबाही आएगी। मारियोपोल में एक बार फिर 10,000 से ज्यादा कब्रें खोदने की रिपोर्ट सामने आई। यूक्रेन की गली गली से उठते जनाजों के बीच शोर और मातम में पूरा यूक्रेन चीख रहा है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी, इसे जीते जी भुला नहीं पाएंगे। तस्वीरें पुरानी है, करीब 6 महीने पहले की। 6 साल का व्लाद अपनी मम्मी की कब्र के आगे खड़ा है, बिल्कुल खामोश, पूरे शरीर को साध कर। दर्द की टीस दिमाग और व्लाद के बदन में पैवस्त है। व्लाद की बंद जुबान बेबसी, घुटन, पीड़ा और त्रासदी का प्रतीक है। व्लाद की आंखें प्रतिकार, प्रतिशोध और एक कभी न भरने वाले आभाव की वानगी बयां कर रही हैं। यूक्रेन के हजारों परिवार की हस्ती खेलती जिंदगी इन कब्रों में समा गई। बूचा, मारियोपोल, इरपिन, इज्यूम, यूक्रेन के शहर शहर कब्रिस्तान बन गए। जमीन की छाती पर यूक्रेन के मनुष्य को दफन करने के लिए कभी इतने फावड़े नहीं चले होंगे। लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। चौबीस फरवरी 2022 से जो मनहूस घड़ी चलनी शुरू हुई है, उसके थमने की ना तो कोई अभी तारीख देखती है ना समय। खून, जख्म, घाव, दर्द और मौत, यही यूक्रेन के नसीब में बदा है। यकीन नहीं होता तो मारियोपोल में जो करीब 10,000 नई कब्रगाहों का पता चला है, उसका पता पूछ लीजिए। Ну, у некоторых уже есть тепло. В моем доме нет тепла. К сожалению, до конца зимы не будет. Юд में यूक्रेन के कितने सैनिक मारे गए, कितने लोग मारे गए, यूक्रेन में अब तक कुल कितनी कब्रें खोदनी पड़ी, यूक्रेन में कहां-कहां बिखरी पड़ी हैं और भी कब्रें, इसकी डिटेल किसी के पास नहीं। ना मारियोपोल के किसी रजिस्टर में लाशों की लिस्ट दर्ज है, ना बूचा की कब्रों से उसकी तादाद का सही अंदाजा लग पाएगा। लिहाजा युद्ध की अग्नि के शांत होने तक इंतजार के सिवा कुछ और नहीं बच जाता। जब मौतों की फाइनल गिनती होगी,
क्यों बढ़ रही हैं खबरें? इसका कारण तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसे रोक पाने की ताकत फिलहाल शायद किसी में नहीं। सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आई है खेरसौन से, वही खेरसौन जिसके इलाकों पर ज़ेलेंस्की ने दोबारा कब्जा कर लेने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि खेरसौन में और 36 कब्रों का पता चला है। ये इलाके रूस के कब्जे से छुड़ाए गए हैं। तो क्या यूक्रेन में बिखरी पड़ी कब्रें सिर्फ यूक्रेन की नहीं है, इसमें वो रूस के सिपाही भी दफन है जो पुतिन की ऑर्डर पर ज़ेलेंस्की को जीतने निकले थे। सच क्या है? मरने वालों के नामों की तख्तियां तो यहाँ सिर्फ अंकों में तब्दील हो गई है। और महायुद्ध से जुड़े एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें बखमूत में एक कॉलेज को निशाना बनाया गया है, जिसमें कॉलेज की बिल्डिंग को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि लगातार रूस के हमले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अस्पताल के साथ कॉलेज को भी टारगेट किया जा रहा है।